जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पब्लिक मीटर की वीडियो है, तो पब्लिक मीटर ने बहुत अच्छा एनालाइज किया है। जिस तरह से जो कंगना रनौत की पिक्चर है तेजस, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुई। बहुत से थिएटर ऐसे थे बिल्कुल ओपन ही नहीं हुए, उनमें कोई भी जो है दर्शक फिल्म देखने नहीं आए, तो बिल्कुल उनका शो चला ही नहीं। तो उसी के ऊपर वो एनालाइज कर रहे हैं पब्लिक मीटर के एंकर। तो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर जाकर फिल्म का प्रचार करना और दर्शकों से हाथ जोड़कर फिल्म देखने की विनती करना भी कंगना के काम नहीं आया। और 3 दिन में ही उनकी फिल्म तेजस का इतना बुरा हाल हुआ कि 0 टिकट बिकने की वजह से देश भर में इस फिल्म के कई शो कैंसिल करने पड़े। बॉलीवुड हंगामा की एक खबर देखिए, जिसमें सिनेमा हॉल मालिकों के बयान दिखाए गए हैं कि तेजस ने कितना भारी नुकसान कर दिया। बिहार के पूर्णिया में रूप बानी सिनेमा के मालिक अभिषेक चौहान ने कहा, तेजस एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस साल पहली बार 0 टिकट बिक्री के कारण मेरे थिएटर में सुबह का शो कैंसिल करना पड़ा। बाकी के शो में भी मुश्किल से 20-30 लोग ही थे। सूरत के द फ्राइडे सिनेमा मल्टीप्लेक्स चलाने वाले किरीट भाई ने कहा, तेजस का एक भी शो मेरे थिएटर में नहीं चला है, 0 बुकिंग थी। शुक्रवार को मैंने तेजस को एक पूरी ऑडी दी और 6 शो चलाने का फैसला किया, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ 2 घंटे लंबी थी। लेकिन दर्शक नहीं होने के कारण मैंने शनिवार को तेजस के 3 शो चलाने का फैसला किया। हमारी पॉलिसी है कि हम कोई भी शो तब चलाते हैं जब 10 दर्शक भी फिल्म देखने आए। तेजस के साथ हमने सोचा कि कम से कम 4-5 दर्शक किसी शो के लिए आ सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। रविवार को भी यही दोहराया गया, तेजस के बारे में कोई पूछने तक नहीं आया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा की इस खबर में बताया गया है कि कई सिनेमाघर के मालिक तो कहते हैं कि कंगना की तेजस फिल्म से अच्छा तो 12वीं फेल फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। सिनेमा हॉल के मालिक ये भी कहते हैं कि फिल्म इतनी खराब भी नहीं जितना बुरा हाल हो गया। तो क्या कंगना को राजनीतिक विचारधारा की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है? आप कंगना की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के पीछे क्या वजह मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, पब्लिक मीटर की वीडियो थी। तो कंगना रनौत की काफ़ी सारी पिक्चरें लगातार फ्लॉप जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है लगातार। अब जो है इंडिया की जो ऑडियंस है वो समझदार हो गई, तो पता है किस टाइप की वीडियो हमने देखनी, किस तरह की मूवीज़ हमने देखनी, किस तरह की नहीं देखनी। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करती सिनेमाघर में। अच्छे अच्छे एक्टरों की फिल्में ये फ्लॉप कर जा रही है इंडिया की जो ऑडियंस है। अब वेब सीरीज इतनी अच्छी अच्छी आई ना, तो वो अब पैसा बर्बाद नहीं करती थिएटर में जाके। तो अगर तुम्हारी पिक्चर में दम होगा तभी चलेगी, ऐसा नहीं तुम कुछ भी बना के परोस दोगे तो चलने लग जाएगी। और देखो, जो तेजस थी वो काफ़ी बड़े बजट की पिक्चर थी, मतलब 60 करोड़ के आसपास के बजट की पिक्चर थी। और जो 12वीं पास थी वो 5-6 करोड़ के आसपास के बजट की पिक्चर थी। और जो 12वीं पास थी वो काफ़ी हिट पिक्चर गई, इसी की टक्कर की पिक्चर थी, साथ में लगी दोनों, पर वो हिट गई और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छी कलेक्शन रही। तो स्टोरी में दम होना चाहिए तो पिक्चर चलेगी, स्टोरी में दम नहीं हुआ तो पिक्चर कोई भी नहीं चलेगी। तो कंगना रनौत की लगातार ही काफ़ी सारी पिक्चरें लगातार जो है फ्लॉप जा रही है। दर्शक समझदार हो गए, ऐसे कुछ भी नहीं देखने वाले कि उनको कुछ भी परोस दो और वो देख लेंगे। तो अच्छा चीज़ देखना पसंद करते हैं अब दर्शक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, साथ साथ पब्लिक मीटर को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो इन्हीं की थी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत सारे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।